दोस्तों ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप इजीली 4000 घंटे का वॉच टाइम गेन कर सकते हो जो कि आपके चैनल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ध्यान रखने की अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पे हम 4000 घंटों का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों यहां पे सबसे पहली बात अगर आपको 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा होना साथ में एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी होनी तो दोस्तों यहाँ पे समझिए अगर आपकी वीडियो है 5 मिनट की तो ऑडियंस ने कम से कम ढाई मिनट तो भी वो वीडियो देखने को ना तभी दोस्तों आपको बहुत अच्छा ऑडियंस रिटेंशन साथ में वॉच टाइम मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब का एक पैटर्न है कि यूट्यूब क्या करता है अपने हर बार के अपडेट में ऐसी कुछ चीजें अपडेट में नहीं लाता है जिससे कि आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने एक बात अगर एक ध्यान में नोटिस की होगी अगर आपने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पे YouTube ने अब एक टाइम स्टाइम का एक नया अपडेट यहाँ पे लेके आया है YouTube दोस्तों यहाँ पे आपको एक टाइम स्टैम का अपडेट प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो आपके वीडियोज में टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे टाइम स्टैम्प अभी फिलहाल क्यों यूजफुल है तो दोस्तों समझिए अगर एक कोई भी प्रोफेशनल वीडियो कोई भी नॉर्मल वीडियो हो तो यहाँ पे दोस्तों तीन मेन फैक्टर्स होते हैं या फिर तीन मेन पार्ट्स होते हैं एक इंट्रोडक्शन सेकेंड जो दोस्तों बीच का हम जो इसमें बताते हैं कि एक्चुअल वीडियो और लास्ट दोस्तों जो है वो आपका आउटरो में इंटरेस्टेड नहीं होते लोगों को चाहिए दोस्तों मेन ऑडियो या फिर मेन जो वीडियो है वो जहाँ पे वो आपकी वीडियो को जो प्रॉपरली उनको देखना है वो देखे और वीडियो छोड़ के चले जाए दोस्तों यहां पे आप क्या कर सकते हो तो आपको यहाँ पे लोगों को जब आप टाइम प्रोवाइड करोगे तो आप यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन कि यहां से हमारा इंट्रो शुरू होता है एक्चुअल वीडियो जो है वो यहां से शुरू हो सकती है और दोस्तों जो आउट है वो यहाँ पे यानी कि दोस्तों लोग जब आपकी वीडियो पे आएंगे तो डायरेक्टली वो एक्चुअल वीडियो पे जाएंगे तो दोस्तों अगर आपने एक्चुअल वीडियो जो आपकी जिसमें आपने कुछ पर्टिकुलर थिंग के बारे में लोगों को बताया है अगर वो चार मिनट के तो दोस्तों मैक्सिमम जो चांसेस है कि लोग आप लोग आपकी वीडियो को चार मिनट जरूर देखेंगे तो दोस्तों ये आप इजीली ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका ऑडियंस रिटेंशन वॉच टाइम बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा तो दोस्तों फिलहाल अभी आप ये पूछोगे कि ये कैसे करना है तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है आपको आपका YouTube स्टूडियो ओपन करना है मैं पहले फिलहाल आपको मेरे YouTube पे एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें मैंने अभी कुछ नहीं ऐड किया है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू चेक स्क्रीन ऑन टाइम वाला एक मैंने वीडियो डाला था यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो में यहाँ पे फिलहाल कोई भी टाइम स्टाइम अवेलेबल नहीं है आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो यहाँ पे भी कोई टाइम स्टाइम फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप टाइम ताम स्टाइम कैसे ऐड करोगे

तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हमने टाइम टाइम कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो कॉलन जीरो जीरो से जीरो कॉलन थर्टी सिक्स तक यानी कि दोस्तों जीरो मिनट से लेकर जीरो मिनट जीरो सेकंड से लेकर जीरो मिनट जीरो मिनट थर्टी सेवन सेकेंड्स तक थर्टी सिक्स सेकेंड्स तक हमारा एक, इंट्रो यहाँ पे चालू होता है बाद में दोस्तों यहाँ पे थर्टी जीरो थर्टी सेवन सेकंड से मिनट एंड तक हमारा एक्चुअल वीडियो बताया कि आपको क्या करना है बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्री मिनट एंड से 19 पे हमारा आउटो यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों अभी आपको सिंपली क्या करना है आपको इन तीन, तीनों चीजों को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है आप ऐसे फॉर्मेट में इसे अरेंज कर लीजिए आपके नोट पैड पे या फिर जहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो और बाद में दोस्तों यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने जाना है आपके यूट्यूब स्टूडियो पे तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो ये है हमारा यूट्यूब स्टूडियो और ये रही वो वीडियो तो हम ये क्या करेंगे हम यहाँ से पहले तो इसे एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये है हमारा डिस्क्रिप्शन तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा टाइम स्टैम्प ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं सिंपली डाल दूंगा टाइम स्टैम्प और ये डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको एंटर मारना और एंटर मारने के बाद यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है जैसे ही आप पेस्ट कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्चुअल टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और सिंपली अभी दोस्तों आपको यहाँ पे सेव करना है जैसे आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके वीडियो को सेव करते हो तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे YouTube पे जाता हूँ और एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर देता हूं तो आप यहाँ पे, पे देख सकते हो कि टाइम स्टेप यहाँ पे ऐड हो चुके होंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रो बाद में दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल वीडियो और बाद में यहाँ पे उट तो दोस्तों इसी प्रोसीजर से आप आपकी वीडियो में बताया कि आप वॉश टाइम भी बढ़ा सकते हो तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो अगर अभी तक डीडो सोल्यून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर जनरल सब्सक्राइ कर दोलाको को प्रेस कर दो ताकि जब हम आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों you oh.